न्यास का मतलब क्या है? आप जिस देवता की पूजा करते हो, ध्यान से सुनना, आप जिस देवता की पूजा करते हो आप में उनका सा देवत्व होना चाहिए। जब आप में उनका सा देवत्व होगा तो पूजा मान्य होगी, वो पूजा स्वीकार्य होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि न्यास करने से साधक का शरीर साधना करने योग्य बनता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप अभिषेक करते हैं उससे पहले न्यास करवाते हैं, पूजा करते हैं उससे पहले न्यास करवाते हैं, और जब पूजा हो जाती है फिर न्यास करवाते हैं। ध्यान दिए, तो साधन पर्यंत आवश्यक है योग्यता प्राप्त कर लेता उस साधन को करने की, जो साधन वो करना चाहता है, जो पूजा करना चाहता है। साधक का मूल सिद्धांत है कि देवता जैसा बनना, देवता जैसा बनना। और देवोपासना की जा सकती है कि न्यास इसीलिए किया जाता है कि हम इस न्यास को करें तो हम उस देवत्व को प्राप्त करें, वो देवत्व हमें प्राप्त हो जाए। और एक और चीज है, जब हम पूजा विधान में बैठे हों तो बाहरी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमें डिस्टर्ब ना करें, उसके लिए भी हम लोग अपने आप को, अपने शरीर को सुरक्षित करते हैं। न्यास करने से हम देवता को मनाने के लायक होते हैं, न्यास करने से चित्त की शुद्धि होती है, न्यास करने से हम देवता की पूजा के लायक भी बनते हैं, और जो बाहरी असुविधाएं हैं, नेगेटिव एनर्जी, उससे भी न्यास हमारी सुरक्षा करता है। इसमें एक और बात है, न्यास के बिना जो पूजा की जाती है, जो पाठ किया, माताएं न्यास नहीं करेंगी, ये ध्यान रखें, भाई लोगों के लिए नियम है। न्यास के बिना जो पूजा की जाती है, जो साधना की जाती है, उसका आधा फल राक्षसों को लगता है, उसका आधा फल जो पूजा का है वो राक्षसों को लगता है, और न्यास करके जो आप पूजा करते हो उसका पूरा फल आपके देवता को लगता है जो आप पूजा कर रहे हैं। और आज कितने सनातनी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है, इसलिए वो न्यास नहीं करते। न्यास की छोड़ो, वो जाके एक माला कर लें जी, बहुत है। ये विधान है, वैदिक कर्म है, इस वैदिक कर्म का पालन हम सबको करना चाहिए। और कम से कम जब आप पूजा करते हैं तो ब्राह्मण देवता ऐसा करवाते ही हैं, जब कोई आप बड़ी पूजा करते हैं, जैसे आप यहां बैठे हुए हैं तो यहां पर ये सभी ब्राह्मण आपसे पूजन करवाते हैं, न्यास करवाते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है आत्मा नमः रुद्र रूपे, जिस समय आप न्यास करते हैं आपकी आत्मा भगवान शिव का स्वरूप हो जाती है, इतना प्रभाव है न्यास का। शिव रूप हो जाता है, शिवो हम शिवो हम शिवो, आपकी आत्मा। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, शॉर्ट में कहा है, विस्तार तो बहुत बड़ा है इसका, लेकिन क्योंकि एक इंजीनियर बालक ने ये प्रश्न किया तो हमारे मन में भाव रहा कि ये बहुत अच्छे भाग्यशाली लोग हैं जो कम से कम वैदिक क्रियाओं को जानना चाहते हैं। आज का युवा वैदिक क्रियाओं को जानना ही नहीं चाहता, यही दुर्भाग्य। हमें हमारी वैदिक क्रियाओं को जानना चाहिए, उसे जानेंगे, उसे समझेंगे, उसे पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, अच्छा ही होगा। आइए अब